Hi friends, this is Dr. Gitanjali and let us see the prediction from the 15th of January to the 21st of January. Let us see how is it going to be for the various zodiac signs. And we start with Aries, yani ki mesh rashi se shuru karte hain. ओके तो मेष राशि थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि हो सकता है कि आप इस सप्ताह कुछ ऐसे डिसीजंस लें जो आपको नहीं लेने चाहिए. द कार्ड्स आर कंप्लीटली इंडिकेटिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स एंड एक्शंस दिस वीक. अगर आपको कुछ बोलना है, आपके क्रोध के ऊपर भी आपको काम करना है. हो सकता है कि आप अपने क्रोध, ऐसी कोई सिचुएशन आए एंड यू कैन बिकम वेरी वेरी एंग्री एंड दैट सिचुएशन कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू. मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें से आपको बाहर आप नहीं निकल पा रहे हैं, आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं. तो इस वजह से भी आपके अंदर बहुत अंदर ही अंदर एक तरह का द्वंद चल रहा है. सो आई वुड आस्क यू टू लाई लो. आप है ना पूरे सप्ताह अगर गुरु का जो है जाप करें, गुरु का मंत्र का जाप करें, ओम गुरु गुरुवे नमः या गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. और फिर हम देखते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरियंस. टॉरियंस के लिए जो कार्ड आए सामान्य आए हैं, कोई इतने खास कार्ड नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है. और इसमें मुझे दिख रहा है कि अगर आप कुछ पैसे के रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं ये हफ्ता, आप जरूर कीजिए. आप आई एम सीइंग ट्रैवल रिलेटेड टू वर्क, आई एम सीइंग ट्रैवल रिलेटेड टू मनी. देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि कोई आपका फ्रेंड जो है वो बहुत दूर से आपसे मिलने को आ सकता है और आपके लिए भी कोई बेनिफिट आएगा. मतलब वो फ्रेंड आपको कोई एक ऐसा सजेशन देगा या आपको कुछ ऐसे काम के लिए आएगा ताकि आपका जो मनी फ्लो है वो जो है वो इंक्रीज होगा. इस सप्ताह हो सकता है कि आप में से कुछ अपने आपके जो एंसेस्टर्स हैं यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, दे में डिस्कस स्टार्ट डिस्कसिंग देयर विल, या फिर विल रिलेटेड कुछ काम आपको इस सप्ताह मिल सकता है. या फिर कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो ये सप्ताह बिक सकती है या उसके बारे में आपको चीज़ें जो हैं क्लियर हो. अगर कोई प्रॉपर्टी परेशानी वाली हो या प्रॉपर्टी में कुछ मतभेद हो तो ये सप्ताह पॉसिबल है कि अगर आप का बात शुरू करें तो वो मतभेद हम लोग मतभेद ज़रूर क्लियर हो पाएंगे. और फिर हमारे पास है मिथुन राशि. आइए देखते हैं मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, मनोरंजक रहेगा. दे आर गोइंग टू हैव फन इन देयर लाइफ एंड दे आर गोइंग टू एंजॉय देयर लाइफ. अगर आपको ट्रैवल करना है, आई एम सीइंग ट्रैवल, आई एम सीइंग एजुकेशन, आई एम सीइंग एजुकेशन अब्रॉड, आई ऑल्सो सी एजुकेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटीज विद यू. प्लस आई एम ऑल्सो सीइंग दैट अगर आपको कोई भी अगर कोई ट्रिप प्लान करनी है इवन फॉर एन्जॉयमेंट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन डेफिनेटली डू इट दिस वीक एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम फॉर यू. अगर आप कोई ट्रैवल नहीं प्लान कर सकते तो एटलीस्ट एक इवनिंग आउट मुझे दिख रहा है आपके फ्रेंड्स के लिए एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट टाइम फॉर यू. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट कमिंग इन. पॉसिबल हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट्स आप स्टार्ट करो ये सप्ताह जिसमें तीन से और या तीन से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो एंड दैट प्रोजेक्ट कैन बी वेरी वेरी गुड. समथिंग रिलेटेड टू फूड कैन बी स्टार्टेड दिस वीक. सो स्पेशली मिथुन राशि आपको स्टार्ट कर सकते हो समथिंग रिलेटेड टू फूड एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड. और फिर हम देखते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसेरियन. कैंसेरियन से क्या होता है. कैंसेरियन जो राशि है वो ये बता रही है कि देखो आपको भड़बड़ी में कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है. आपके अंदर बहुत द्वंद चल रहा है, कंपटीशन ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए. आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली पहुंच चुके हैं लेकिन अभी आपको लग रहा है आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रहे एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. इनफैक्ट मुझे लिख रहा है कि पिछले 5 हफ्तों से आपको काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. स्पेशली दिस इज रिगार्डिंग योर करियर. सो यू नीड टू प्लीज अंडरस्टैंड कि नाउ दिस वीक इज नॉट अ टाइम फॉर एनी चेंजेस. यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हुम यू ट्रस्ट बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो सही नहीं हैं और वो आपके अगेंस्ट जाके कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड डेफिनेटली यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ योर स्पोकन वर्ड. हो सकता है आप किसी को हर्ट कर दें और वो इंसान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए. And you may lose a good friend or a loyal employee. आइए देखते हैं सिंह राशि यानी कि लियो. लियो के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह. लियो के लिए जो सप्ताह है ये ओके रहेगा लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं. अगर आपको कहीं जाना है तो प्लान करके जाना, डू नॉट गो विदाउट प्लानिंग. जो मुझे दिख रहा है कि अगर आपने विदाउट प्लानिंग अपना डब्बा झोला उठा के चल दिए, लगेज उठा के चल दिए तो कुछ नहीं होने वाला है. जो भी आपका जो उतना टारगेट या गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा. तो थोड़ा सा प्लानिंग कर लीजिए. प्लानिंग करने से, अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने से, गोल्स क्लियर करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आ सकता है. वी हैव रिमूव द एस ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू एंड इफ यू सी एस ऑफ पेंटिकल्स इट ऑल्सो इंडिकेट्स लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन एंड ग्रोथ कमिंग इन. तो ये आप कर सकते हैं. मैं आपके लिए खास टिप
दूंगी कि अगर आपका जो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो कोई भी वाटर बॉडी अपने घर के नॉर्थ साइड में रखिए और आपको ये सप्ताह बहुत ज़्यादा बेनिफिट आएगा। लेकिन जो वो वाटर बॉडी के अंदर रखने जो स्टिल पानी रख दिया, सिर्फ एक कटोरे में भी पानी आप रख सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि वो पानी को एक बार ज़रूर हिलाइए। देर हैज़ टू बी सम मूवमेंट। अगर आपने ये रख लिया, सपोज आपके नॉर्थ में अगर फाउंटेन है तो गुड, अगर नहीं है तो भी कोई अलाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पुट अ वाटर बॉडी और उसको एक दिन में हिला दीजिए, दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। और फिर आइए देखते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। कन्या राशि जो है वो थोड़े से माइंड से परेशान है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जो भी आपकी चिंताएँ हैं वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मूवमेंट। वर्गो आपके लिए ये बहुत अच्छा सप्ताह रहने वाला है, आपको जो करना है करिए। मुझे ट्रैवल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि शायद आप में से काफ़ी लोगों को नया जॉब मिले, आप नई सिटीज में जाएं एंड हो सकता है कोई नई चीज़ें आप शुरू करें। इट कैन बी अ गुड यू नो बिजनेस मूव और समथिंग लाइक दैट, यू विल रियली रियली इन्जॉय। एंड देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में कोई आपका जो फ्रेंड है, रिलेटिव है, वो कहीं बाहर से आएगा आपसे मिलने के लिए और बहुत ही इन्जॉयबल टाइम आप स्पेंड करेंगे। सो आई एम सीइंग अ वेरी नाइस टाइम फॉर यू वर्गोस, सो जस्ट गो अहेड। एंड आई एम सीइंग अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, तो काफ़ी लोग इसमें से शायद कुछ खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं या घर का कुछ काम शुरू कर सकते हैं या आपके घर का काम कंप्लीट हो सकता है ये सप्ताह। बहुत अच्छा समय है। टेक वेरी हार्ड डिसीजंस, इमोशनली काम मत कीजिएगा, टेक वेरी हार्ड डिसीजंस, दे आर गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग रन। और आइए देखते हैं तुला राशि यानी कि लिब्रंस, लिब्रंस के लिए कैसा रहेगा। लिब्रंस जो है दे आर द साइंस वेयर यू नो ऑफ जस्टिस, तो दे आर वेरी वेरी बैलेंस्ड पीपल, डिप्लोमैट होते हैं, पीस मेकर्स होते हैं। वो थोड़े से परेशान है, मुझे तो लगता है कि काफ़ी सारे लिब्रंस के दिमाग में भी चल रहा है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए या मेरे लाइफ में एक पार्टनर होना चाहिए, तो दे आर काइंड ऑफ वरीड अबाउट देयर पार्टनर और देयर रिलेशनशिप राइट नाउ। एंड दैट्स ओके, डू नॉट वरी, आपकी जगह रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली यू कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल दिस वीक। ऑल्सो मुझे ये लग रहा है कि अगर आपके हेल्थ इशूज़ आए तो ये सप्ताह आपके हेल्थ इशूज़ थोड़े से खराब हो सकते हैं, यानी कि आपकी हेल्थ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। घबराइए नहीं, अगर आपकी हेल्थ ऊपर नीचे हो रही है तो जस्ट वेयर अ टर्मरिन का ब्रेसलेट एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, बिकॉज इट्स नॉट एनीथिंग बट इट्स जस्ट योर थॉट्स विच आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। एक्चुअली आपकी सेहत के साथ कुछ भी खराब नहीं है। और फिर हम देखते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए क्या आपके पास, हमारे पास कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए एंड यू देखकर कोई जैसे कार्ड्स गिरते हैं तो यू हैव टू पे अटेंशन। तो मैंने सारे के सारे कार्ड्स निकाल दिए स्कॉर्पियो के लिए। वापस से बोलूँगी, डू नॉट टेक एनी डिसीजंस इन हेस्ट। मित्र मैं कह रही हूँ डबल डबल कॉशन आया है कार्ड्स में, ये सप्ताह आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नया शुरू नहीं करना है, नया जॉब नहीं लेना है, कुछ भी नया नहीं करना है। आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रियलाइज करें कि अगर आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन है या कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं तो ये आप ही की वजह से है, और ये जो डिसीजन है आपकी लाइफ में ग्रोथ अफेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि ये डिसीजन हो कि आपको जॉब छोड़ना है बट आप नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, वो डिसीजन लीजिए, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, द फ्यूचर इज डेफिनेटली वेरी गुड। जो डिसीजन लेना है आप भले इस सप्ताह नहीं लीजिए क्योंकि इस सप्ताह कार्ड्स अच्छे नहीं है, बट वो डिसीजन के बारे में ज़रूर सोचिए, वो डिसीजन अपने दिमाग में रखिए कि हाँ मुझे ये करना है एंड देन डेफिनेटली टेक अ डिसीजन वेरी सून। और फिर हमारे पास है धनुराशि यानी कि सैजिटेरियस, आइए देखते हैं सैजिटेरियस राशि का कैसा रहता है। वाओ सैजिटेरियंस, आपने तो इतने अच्छे कार्ड्स कर दिए कि ना मतलब आपकी बल्ले बल्ले हो चुकी है। वाओ कार्ड्स ही कार्ड्स, सबसे बेस्ट कार्ड्स आपके हैं आफ्टर द वर्गो। कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि नेम, फेम, प्रमोशन, जॉब चेंज, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ट्रैवल। अगर आप कोई ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आप यूट्यूबर हैं या आप नहीं कोई मीडिया से रिलेटेड हैं, सो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है, या अगर आप एक्टर हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है। इट्स अ वेरी गुड टाइम एंड मनी इज़ कमिंग इन, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो और क्या चाहिए। देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी कमिंग इन, यू मे बाय अ प्रॉपर्टी दिस वीक और यू मे डिसाइड टू बाय सम लैंड एंड इट्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड टाइम, यू शुड इनफैक्ट डू दिस। और मैं आपको एक अलग सी बात बोलूँगी, अगर आपको इस सप्ताह का बेनिफिट उठाना है तो आपको राहु से रिलेटेड प्रयोग करने हैं। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ ओम राम राहुवे नमः का जाप कीजिए। आपको पूरे सप्ताह ये जाप करना है 108 बार दिन में और आप अपनी लाइफ में डिफरेंसेस जरूर देख लेंगे। आइए देखते हैं मकर राशि, मकर का तो महीना है और सूर्य भगवान जो है वो मकर राशि में आए हैं। वाओ वेरी गुड टाइम फॉर ऑल द केप्रिकॉर्न्स,
यू डू नॉट नीड टू वरी, देर इज अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स इन योर एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी लेवल्स आई एम सीइंग. द ओनली प्रॉब्लम इज योर कन्फ्यूजन, यू आर स्टिल कन्फ्यूज क्या करना है भाई. जो डिसाइड करो, दो चीज़ें चार चीज़ें हैं, कंसल्ट समबडी, आस्क योर फ्रेंड, गो टू अ टैरो रीडर, गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, कहाँ जहाँ जाना है जाओ, एक डिसीजन लो. दैट डिसीजन विल क्रिएट दैट लाइफ दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड. एंड ये सप्ताह आप वो डिसीजन ले सकते हैं अगर आप को जो है तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाए. तो क्लैरिटी के लिए एक स्मोकी कॉर्ड्स अपने पास रखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा. और फिर हम देखते हैं कुंभ राशि यानी कि अक्वेरियस. कुंभ राशि वालों का जो मुझे कार्ड दिख रहा है, पता नहीं किसी बात का डिप्रेशन है आपको, अपनी हेल्थ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको एकदम डिप्रेस कर रही हैं. ऐसा आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं. यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ. आपके लिए मैं ज़रूर एक बात बोलूँगी कि प्लीज़ आप इस सप्ताह जो है शनिदेव का दान ज़रूर कीजिए. अगर आपसे हो सके तो हर दिन शनि देवता के मंदिर जाके या फिर हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. एंड जो आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो आपके लाइफ से चली जाएगी. बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ, बी केयरफुल ऑफ योर स्टेप. डू नॉट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू बी डेफिनेटली वेरी गुड. और फिर हमारे पास आती है आखिरी राशि, मीन राशि. आइए देखते हैं मीन राशि के लिए कैसे कार्ड्स हैं. मीन राशि के जो कार्ड्स हैं बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन आपके फ्रेंड या आपके कॉलिग्स के बीच में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत जलता है, बहुत जेलस है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है. इस आप एक और काम कर सकते हैं, कार्नेलियन और टूरमलिन का ब्रेसलेट रख सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो आसपास जो है वो दिखाता तो ये है कि वो आपको बहुत पसंद करता है, बट दैट पर्सन इज़ गोइंग बिहाइंड योर बैक, बिचिंग अबाउट यू, टॉकिंग नेगेटिव अबाउट यू, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो सच नहीं है. मतलब ही और शी इज़ ट्राइंग टू पुल यू डाउन, एंड आई एम वार्निंग यू, दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल ओनली. सो बी वेरी वेरी केयरफुल हुम यू कन्फाइड. दिस इज़ नॉट फॉर दिस वीक, इट इज़ फॉर द जनरल प्रिडिक्शन कि आपको आसपास अगले 3 से 4 महीने के लिए केयरफुल रहना है कि आप आसपास अपने किस लोगों के अंदर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सारी बातें बाहर जा रही हैं. अगर आप एक कर बोल रहे हैं तो उसका 4 बन के बाहर जा रही है. तो बी एक्सट्रीमली केयरफुल. देर कैन बी ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट समबडी मे जस्ट शट डाउन अ कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग विद यू, एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ प्रॉब्लम. सो ये था 12 राशियों का राशिफल इस हफ्ते के लिए. आई होप आपको ये इसे गाइडेंस मिले. अगर आपके पास कोई और है जिसका वही सेम सनसाइन है तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए. मैं आशा करती हूँ आपको ये टिप्स डेफिनेटली काम आएंगे. सो प्लीज़ डू फॉलो देम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.